नमस्कार, मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम करने जा रहे हैं विद्यानिवास मिश्र जी की निबंध की अगली व्याख्या। पिछले वीडियो में भी कुछ अवतरण हम कर चुके हैं और अब अगली व्याख्या कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर और लाखों करोड़ों कौशल्याओं के द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित हैं, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। इसमें कुछ क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनके अर्थ पहले हम जान लेते हैं। मुखरित का अर्थ होता है स्वर दिया गया। अनाम का अर्थ होगा जिसकी कोई पहचान नहीं हो, जो अनजान हो, अपरिचित हो। अरूप को हम कहेंगे निराकृति, जिसकी कोई आकृति न हो। इसका प्रसंग है विद्यानिवास मिश्र जी के सुप्रसिद्ध निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध से ली गई ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि संतान चाहे कितनी भी समर्थ हो जाए, परंतु मातृ हृदय में फिर भी उनके प्रति अनेक आशंकाएं रहती हैं और वे अपनी संतान के लिए विविध प्रकार से मंगल कामना, कल्याणकारी कामना करती रहती हैं। अपनी संतान को आशीर्वाद देती रहती है, उसकी शुभ हितकारी कामना करती रहती है, मंगल की कामना करती रहती है। लेखक कहते हैं कि जब देर रात तक उनका पुत्र और एक वयस्क कन्या संगीत के कार्यक्रम से घर नहीं लौटे, तो शहर की असुरक्षित स्थिति के कारण चिंतित लेखक के मन में माता कौशल्या द्वारा वनवासी राम, लक्ष्मण और सीता के लिए की जा रही मंगल कामना, जो कि भोजपुर और अवध क्षेत्र के लोक जीवन में किस प्रकार से मुखरित होती है, उसका वर्णन करने लगे। साथ ही यह भी बताते हैं कि एक माता कौशल्या ही श्री राम के प्रति ऐसी कामना नहीं रखती थी, अपितु इस देश की ऐसी लाखों करोड़ों माताएं स्वयं को स्वयं से दूर अपनी संतानों के प्रति ऐसी ही कुछ मंगल कामना करती है। उक्त प्रसंग में लेखक के मन में 19 करोड़ों माताओं में माता कौशल्या की मूर्ति नजर आने लगती है, क्योंकि उन सभी के राम अर्थात उन सब के पुत्र भगवान श्री राम के समान आजीविका अथवा अन्य कई कारणों से अपनी जन्मभूमि को, अपनी मातृभूमि को छोड़कर दूर परदेश चले गए हैं, बाहर कमाने के लिए चले गए हैं, अपने कार्य से चले गए हैं, कोई पढ़ने के लिए चला गया है। पर लेखक ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आज भी हजारों करोड़ों भारतीय नारियां माता कौशल्या की छवि वाली ही हैं। चाहे युग परिवर्तन हुआ है, फिर भी आज भी करोड़ों माताएं इस ममत्व भाव से, कौशल्या की छवि वाली वात्सल्य भाव से भरी हुई माताएं ही हमें नजर आएंगी, जो अपनी संतान के लिए चिंतित बनी रहती है। यद्यपि उनके राम निर्वासित हैं, फिर भी मुकुट उनके सिर पर अभी भी बैठा है और उसी के भीगने की चिंता यहां व्यक्त की गई है। लेखक कहते हैं कि निर्वासित अवस्था में माथे पर मुकुट न होते हुए भी जनमानस में बैठा हुआ वह मुकुट हमेशा विद्यमान ही नजर आता है। भगवान राम के सिर पर मुकुट नहीं है। जब वो अयोध्या से निकले वनवास के लिए, तो सारी राजसी वेशभूषा और मुकुट वहीं उतार कर चले गए थे, वनवासी वेशभूषा में गए थे, उनके सिर पर मुकुट नहीं है। फिर भी लेखक कह रहे हैं कि निर्वासित अवस्था में भी माथे पर मुकुट
न होते हुए भी जनमानस में बैठा हुआ वह मुकुट हमेशा ही विद्यमान नजर आता है। कि आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम के सिर पर मुकुट विराजित है और उसके भीगने की चिंता लगी रहती है, कहीं भगवान राम के सिर का मुकुट भीग न जाए। अर्थात उन्होंने जो कर्तव्य पालन का प्रण किया है और जो मर्यादाएं हैं वो मर्यादाएं भंग न हो जाए, जो उनका अंगरक्षक बॉडीगार्ड बन करके, अंगरक्षक बन करके, पहरुआ बन करके उनका छोटा भाई लक्ष्मण उनके साथ गया है, वह अपने कर्तव्य पीछे न हट जाए, इस बात की चिंता बनी रहती है। फिर लोगों में ये चिंता सर्वाधिक है कि श्री राम के साथ उनकी धर्म पत्नी सीता भी वन में गई हुई है, तो वह राजकुमारी, वह स्त्री जाति का प्रतीक, इस स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करने वाली सीता वन में अकेली रह रही है राम और लक्ष्मण के साथ। तो उस सीता की मांग का सिंदूर कहीं भीग न जाए, उसकी मर्यादा में कहीं कोई बाधा न आ जाए, उसकी मर्यादा पवित्र बनी रहे, इस सब की चिंताएं आज भी लाखों करोड़ों माताओं को बनी रहती है। कभी राम के रूप में, कभी लक्ष्मण के रूप में, कभी सीता के रूप में, लाखों करोड़ों माताएं आज भी अपनी संतान के प्रति चिंतित है और उनके मंगल की, हित की कामना करती रहती है। संतान कहीं भी चली जाए, दूर चली जाए, फिर भी माताएं अपनी संतान के लिए आशीर्वाद देती रहती हैं, उनके शुभ अशुभ की सारी चिंताएं करती रहती हैं कि मेरा बच्चा पता नहीं किस हालत में होगा, सुरक्षित तो है, भगवान उसकी रक्षा करता रहे। इस प्रकार की तरह तरह की चिंताएं, उद्विग्नताएं लाखों करोड़ों माताओं के मन में कौशल्या की भांति आज भी बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।